हाय, आई एम आर्यन। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर रूल्स में सीख रहे हैं टेंस। टेंस में प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप आज शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? किसी भी काम का वर्तमान में पूरा हो जाना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह जा चुका है, ये सभी काम वर्तमान में हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया है, यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बहुत सारा हो सकता है, जो काम हो गया है, ठीक है। तो आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। पहला, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, वह खेल चुका है, ये सभी चुका वाले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। दूसरा नंबर, आ है, ई है, ए है। जैसे वह आया है, वह गई है, मैंने कुर्सी तोड़ी है, ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तीसरा नंबर है, लिया है, दिया है, किया है। जैसे राम ने अपना काम किया है, तुम खाना खा लिए हो, उसने पैसे दिए हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और चौथा नंबर है, या हूँ, ये हो, यी हो, या यी ये हो। जैसे वह खाना खाया है, तुम गए हो, वह आया है, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इसकी पहचान एक साथ देख लेते हैं। एक नंबर, चुका है, चुकी है, चुके हैं। दो नंबर, आ है, ई है, ए है। तीन नंबर, लिया है, दिया है, किया है। और चार नंबर, या हूँ, ये हो, यी हो, ये सब सेंटेंस के लास्ट में रहे तो आपको पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कोई भी सेंटेंस पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है, मतलब वो काम हो गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम लोगों ने देख लिया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज होगा। इसमें हैव हैज लगता है, क्योंकि चुका है, चुकी है, कोई भी काम हो गया है तो हैव हैज लगाते हैं। उसके बाद पहले सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हैव हैज हुआ, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब थ्री लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस। क्या क्या बोले फॉर्मूला में? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज कोई एक, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। अब हम देख लेते हैं वर्ब का तीसरा रूप क्या है। वर्ब पहला होता है जाना का, गो। जैसे कोई वर्ब है जाना, जाना का क्या होता है? गो। वर्ब का मतलब क्या है? कोई भी काम, काम करना, जैसे आना जाना, खाना पीना। तो यहाँ क्या लेते हैं? जाना लेते हैं। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो, जो वर्ब का पहला रूप है। सेकेंड रूप है गो का, वेंट। और थर्ड रूप है गोन। तो यहाँ पर क्या लगेगा? गोन लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप लगता है, ये आपको याद कर लेना है। तो मेरा फॉर्मूला हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप वर्ब थ्री, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस होगा। और एक बात बता दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव किसके साथ लगता है? आई, आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम और हमें होता है, यू का मतलब तुम होता है, और दे का मतलब वे होता है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और ही मतलब वह लड़का के लिए, सी, सी मतलब भी वह लड़की के लिए, नेम कोई भी एक नाम, और इट, इन सब के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा गिनती में हो, चाहे वो नाम हो या बॉयज हो या बहुत सारी चीज़ एक से ज़्यादा गिनती में हो, वहाँ पर हैव लगाएंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला के अनुसार बनाते हैं। मेरा सेंटेंस है, मैं खा चुका हूँ। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? हम, तुम, ये, वो। यहाँ पर क्या है? मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद हैव एज लगाना है। आई के साथ क्या लगता है? मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, आई के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए, आई के बाद हैव हुआ। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है फॉर्मूला के अनुसार।
यहाँ पर क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। ईट, ईट का दूसरा रूप होता है एट, और ईट का तीसरा रूप होता है ईटन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, यानी ईटन लिखेंगे। आई, आई के बाद हैव के बाद वर्ब थ्री ईटन, और यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मेरा सेंटेंस बन गया आई हैव ईटन। तो मेरा सेंटेंस बन गया, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग नया चीज़ ये सीख रहे हैं कि वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यूज करना है। तो अभी तक हम लोगों ने वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप यूज कर रहे हैं। और ये वर्ब का तीनों रूप आपको ग्रामर में या कोई भी बुक्स में या इंटरनेट पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। और आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अच्छा समझना है तो मेरा ग्रामर का पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बनाया, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। इस सेंटेंस को इस प्रकार भी बोल सकते थे, मैंने खा लिया है, मैंने खाया है, मैं खाई हूँ, मैंने खाए हैं। आप जैसे भी बोल सकते हो, एक ही सेंटेंस है, खाया है, खा लिया है, खाए हैं, खाई हूँ, सभी तरह से बोल सकते हो। और प्रेजेंट परफेक्ट में ये सब आते हैं क्योंकि सेंटेंस पूरा हो गया है, मतलब ये काम हो गया है। और इन सभी का एक ही सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, आई हैव ईटन। चाहे खाया हो, खाई है, खाए हैं, खा लिया है, खा चुका है, सभी का एक ही सेंटेंस बनेगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला के अनुसार बनाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ क्या लिखाएगा, हम लोग का वी लिखाएगा, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद हैव ही लगेगा, वी के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए। उसके बाद वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो रीड लिख देंगे। मेरा सेंटेंस बन गया, वी हैव रीड, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बना सेंटेंस, वी हैव रीड। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम जा चुके हो या तुम गए हो, फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ। उसके बाद हैव है लगाना है, यू के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, जाना का गो होता है, जिसका फर्स्ट फॉर्म गो हुआ, सेकंड फॉर्म वेंट होता है जाना का, और थर्ड फॉर्म गो का गोन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, वर्ब थ्री लिखाएगा, गोन लिख दिए। यू हैव गोन, मेरा सेंटेंस बन गया, तुम जा चुके हो, यू हैव गोन। एक और सेंटेंस लेते हैं, वे लोग देख चुके हैं, फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वे लोग का दे हुआ, उसके साथ हैव ही लगाना है, दे के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, यहाँ पर वर्ब क्या है, देखना, देखने का इंग्लिश क्या होता है, सी। सी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सो, और थर्ड फॉर्म सीन। तो मेरा सेंटेंस में यहाँ क्या लिखाएगा, सीन लिखाएगा, वर्ब थ्री। मेरा सेंटेंस बन गया, दे हैव सीन, वे लोग देख चुके हैं, दे हैव सीन। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह जा चुकी है या वह गई है। यहाँ पर सेंटेंस में क्या पता चल रहा है, लड़की के लिए बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट में ही न लगा के वह के लिए सी लगेगा। सबसे पहले सी लिख दिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैव ही लगाना है, यहाँ पर वह है, वह का इंग्लिश ही होता है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज लगा दिए, ही हैज। उसके बाद वर्ब थ्री लगाना है, यहाँ पर क्या है, वर्ब जाना, जाना का इंग्लिश क्या है, गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन, यहाँ पर क्या लगेगा, गोन लगेगा। मेरा सेंटेंस बन गया, सी हैज गोन, वह जा चुकी है, सी हैज गोन। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह सो चुका है या वह सो गया है या वह सो लिया है, फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ, ही के साथ हैज लगता है, हैज लगा दिए फॉर्मूला के अनुसार। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, सोना का स्लीप होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होता है, और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होता है। तो यहाँ क्या लिखाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म स्लेप्ट, ही हैज स्लेप्ट, वह सो चुका है का सेंटेंस बना, ही हैज स्लेप्ट। अगर कोई नाम हो, राम सो चुका है,
राम हैज स्लेप्ट और एक से ज़्यादा नाम हो तो वहाँ हैव लगेगा, एक नाम के साथ हैज लगेगा और एक से ज़्यादा नाम के साथ हैव लगेगा। राम और श्याम सो चुका है, राम एंड श्याम हैव स्लेप्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस कुछ। तो मेरा सेंटेंस है श्याम ने आम खाया है या श्याम आम खा चुका है। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, नाम है, तो सब्जेक्ट लिख दिए श्याम। उसके बाद हैव हैज लगाना है, एक नाम के साथ हैज लगता है तो यहाँ पर हैज लगा दिए श्याम हैज। अब वर्ब लिखना है, यहाँ वर्ब क्या है, खाना, खाना का इंग्लिश क्या होगा, ईट वर्ब वन, एट वर्ब टू, ईटेन वर्ब थ्री, यहाँ क्या लिखना है, वर्ब थ्री लिखना है फॉर्मूला के अनुसार। तो वर्ब थ्री लिख दिया ईटेन, मेरा सेंटेंस में श्याम हैज ईटेन लिखा गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में प्रश्न का उत्तर हो। श्याम ने क्या खाया है, आम, आम ही आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट आम है, आम का इंग्लिश क्या होगा, मैंगो। तो मेरा सेंटेंस में मैंगो लिख दिया, मेरा सेंटेंस बन गया श्याम हैज ईटेन मैंगो, श्याम आम खा चुका है या श्याम ने आम खाया है, मेरा सेंटेंस बना श्याम हैज ईटन मैंगो। एक और सेंटेंस ऑब्जेक्ट वाला बना लेते हैं, मैंने ताजमहल देखा है या मैं ताजमहल देख चुका हूँ। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या होता है, हम तुम ये वो, यहाँ पर क्या है, मैं का इंग्लिश आई हुआ, आई सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हैव हैज लगाना है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगा दिए आई हैव। उसके बाद क्या है सेंटेंस में, वर्ब थ्री, फॉर्मूला के अनुसार वर्ब थ्री, यहाँ वर्ब क्या है, देखना, देखना का इंग्लिश सी होता है, वर्ब वन, सो वर्ब टू, सीन वर्ब थ्री, यहाँ पर क्या लिखाएगा, वर्ब थ्री यानी सीन लिखाएगा, आई हैव सीन मेरा बन गया। और अब ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, क्या देखा है हम लोगों ने, ताजमहल देखा, यही ऑब्जेक्ट है, तो ताजमहल लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया, मैंने ताजमहल देखा है, सेंटेंस बना आई हैव सीन ताजमहल, मेरा सेंटेंस बन गया आई हैव सीन ताजमहल। ये वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट वन है, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कि चुका है, चुकी है, हमें हैव हैज लगता है, वर्ब थ्री लगता है और सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट टू में मैं आपको लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली वाले सेंटेंस को सिखाऊंगा। ये रहा आप लोगों का होमवर्क प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसको आपको कमेंट में लिख के बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोज के।